हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम द मोल कंसेप्ट एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आप फिजिकल केमिस्ट्री एंड एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में यूज करते हो दोस्तों। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करते हैं और वहाँ मोल कंसेप्ट के टॉपिक हम यूज़ क्या करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मोल कंसेप्ट को समझने के लिए पहले हमें एटॉमिक मास को समझना ज़रूरी है और फिर हम एटॉमिक मास के बाद मोलिकुलर मास के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, एटॉमिक मास को हम समझने से पहले तो दोस्तों मोल कंसेप्ट में सबसे पहले हमें पढ़ना है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, आइए देखते हैं। एटॉमिक मास दोस्तों, किसी एटम की एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए हम सबसे पहले एक स्टैंडर्ड एटम लेते हैं। तो सबसे स्टैंडर्ड एटम जिनका एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करते हैं बाद में, हम किसी एक एटम को पहले स्टैंडर्ड मान लेंगे। फॉर एग्जांपल, स्टैंडर्ड एटम कार्बन C12 है दोस्तों। कार्बन C12 को एक स्टैंडर्ड एटम ले लिया गया, क्या कि सभी जितने भी एटम्स हैं हमारे पास, हम उन सभी की एटम्स की जो वेट है उनका हम C12 एटम से कंपैरिजन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो कंपैरिजन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितने टाइम्स इस कार्बन C12 एटम से किसी एटम का मास हैवियर है या फिर लेसर है, मतलब कम है या फिर ज़्यादा है दोस्तों। तो आइए हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से सभी एटॉमिक मास का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड कार्बन लेंगे, कार्बन C12 एटम। सपोज कीजिए कि आपको ऑक्सीजन एटम का मास कैलकुलेट करना है। तो ऑक्सीजन मास करना है कैलकुलेट, तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो दोस्तों, जब इसको हम कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि मास का जो ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 टाइम्स है किसके, 1/12 मास ऑफ C12 एटम्स। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम और सभी एटम्स की मास को देखते हैं। जब हमसे नाइट्रोजन का मास करना हो पता, तो मास ऑफ नाइट्रोजन एटम का जब मास दोस्तों पता करना है तो वो हम देखते हैं कि 14 टाइम्स 1/12 मास ऑफ C12 एटम हो जाता है। मतलब इसका दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपके पास नाइट्रोजन का मास है, जब हम इसको देखते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं इनसे C12 एटम से, तो हम क्या देखते हैं कि जो ऑक्सीजन एटम है उसका जो मास है वो कार्बन C12 के 1/12 से 14 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से अगर मुझे सपोज कीजिए सोडियम का मास मालूम करना है, तो सोडियम का जो मास होता है, मास ऑफ सोडियम एटम दोस्तों वो होता है 23 गुना 1/12 मास ऑफ C12 एटम। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि हम जितनी भी बार यहाँ पे मास लिखते जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन का मास 16 टाइम्स 1/12 मास ऑफ सी कार्बन एटम एंड मास ऑफ नाइट्रोजन एटम 14 टाइम्स मास ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स, ऐसे ही दोस्तों सोडियम का भी हम यहाँ देख सकते हैं कि 23 टाइम्स 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम के इक्वल हो रहा है। तो दोस्तों, जब हम ये यूनिट बार बार लिख रहे हैं, देखिए हर एक एटम के मास के बाद में हम 1/12 मास ऑफ C12 एटम लिखते जा रहे हैं। तो दोस्तों, क्यों हर बार क्यों लिखेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक इनको शॉर्ट करने के लिए एक यूनिट बना लेते हैं दोस्तों। तो जब हम यूनिट को लिखते हैं, सपोज कीजिए अब हमें, तो दोस्तों इस मास को 1/12 मास ऑफ C12 एटम को एक यूनिट मान लिया गया दोस्तों। क्या मान लिया गया यूनिट, वो यूनिट क्या है, AMU ऐड कर लिया, मतलब एक यूनिट दे दिया कि भाई हम इतना लंबा बार बार जब लिख ही रहे हैं तो क्यों ना हम इसको एक यूनिट बना लें। तो दोस्तों उस टाइम पे क्या हुआ, इनको एक यूनिट मान लिया गया। तो आप यहाँ पर भी ऐसा लिख सकते हैं 16 AMU,
इसको भी आप दोस्तों 24 amu लिख सकते हैं, आप इसको 23 amu लिख सकते हैं। तो क्या हुआ उस टाइम पे जब किसी को यूनिट था नहीं मालूम तो उन्होंने amu एक यूनिट मान लिया गया। amu मतलब दोस्तों amu मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ओके तो ये साफ है। तो दोस्तों यहाँ तक तो बात ठीक है। अब क्या हुआ इसके बाद में, जब कुछ साल के बाद में जब हमारी केमिस्ट्री डेवलपमेंट हो रही थी दोस्तों, तो उस टाइम पे एक इंस्ट्रूमेंट की डिस्कवरी हो गई, उसका नाम था मास स्पेक्ट्रोमीटर। दोस्तों मास स्पेक्ट्रोमीटर से क्या हुआ, कार्बन C12 के एटम का मास कैलकुलेट कर लिया गया। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्टूडेंट्स जब मास स्पेक्ट्रोमीटर से इस कार्बन C12 की एटम का मास फाइंड हुआ तो वो कितना हुआ दोस्तों, C12 इज इक्वल टू, जो इसकी वैल्यू निकल के आई दोस्तों वो निकल के आती है 1.99 × 10⁻²⁰ इतनी वैल्यू दोस्तों C12 एटम की निकल के आ जाती है मास स्पेक्ट्रोमीटर से। अब मैं अगर 1/12 मास ऑफ C12 एटम की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, आप देखिए यहाँ ध्यान से, 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम, क्या है दोस्तों मास ऑफ C12 एटम क्या हुआ 1.9 × 10⁻²⁰ ग्राम में। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट अप करते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। यस दोस्तों सही सुन रहे हैं आप, 1/12 से इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो दोस्तों अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 16 × 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो आप क्या लिखेंगे 14 × 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। इसी प्रकार से आपको मास ऑफ सोडियम एटम का पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे 23 × 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास एटॉमिक मास की डिस्कवरी हो गई। यहाँ पर दोस्तों अब हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि जो हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं अपने केमिस्ट्री में एटॉमिक मास, एक्चुअली वो जो मास हुआ करता है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास हुआ करता है। तो आइए देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअली होता क्या है। स्टूडेंट्स आइए समझते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है एक्चुअली। सपोज कीजिए एक चीज़, एक वस्तु है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है वो ए है, उसका जो मास है वो है 50 kg। सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट बी है, उसका जो मास है वो है 400 kg, सपोज कर लो दोस्तों। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बी जो ऑब्जेक्ट है उसका रिलेटिव मास विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है। क्वेश्चन है फाइंड रिलेटिव मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं आप बी का अगर रिलेटिव मास लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे, तो दोस्तों आप लिखेंगे कि जो बी को है मास ऑफ बी को आप डिवाइड देंगे मास ऑफ ए से, बिल्कुल सही। तो आप यहाँ क्या देखते हैं, तो मास ऑफ बी आप रखेंगे न्यूमरेटर में, बिल
साथ में आप लिखेंगे यूनिट भी लिखेंगे एंड 50 लिखेंगे आप नीचे केजी। तो दोस्तों केजी से केजी आपका कैंसिल आउट हो जाता है, जीरो कैंसिल आउट एंड आपको मिलता है 8। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, या आप कह सकते हैं जो रिलेटिव मास है किसका, ऑब्जेक्ट बी का, वो यूनिट लेस है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं अगर दोस्तों यही केस हमें अप्लाई करना हो एटॉमिक के ऊपर, एटम्स के ऊपर, तो हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअली होता क्या है। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअली है क्या देखते हैं। यानी सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास इज ए यूनिटलेस, यूनिटलेस क्वांटिटी, बिल्कुल सही, यूनिटलेस, यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, तो दोस्तों हमें यहां जरूरत पड़ रही है एटॉमिक मास फाइंड करना है, वो भी रिलेटिव। तो कैसे फाइंड करना होगा, देखिए सपोज दैट रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन का अगर हमें रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा। आप देख सकते हैं इनकी मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट है ना, मतलब क्या करना होगा, मास ऑफ, मास ऑफ वन एलिमेंट, वन एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड अपॉन मास ऑफ 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम, बिल्कुल सही। यानी आप एक ऑक्सीजन एटम में जो एलिमेंट है उसका मास, और जो आपका मास फाइंड आउट हुआ है C12 के साथ में 1/12, उसके मास को हमें पुट अप करना होगा। तो दोस्तों अगर हम इसको यहाँ पुट अप करते हैं, मास ऑफ वन एलिमेंट पुट करें ऑक्सीजन का, तो आपने अभी क्या, आपने फाइंड किया था 16 × 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम एंड अपॉन में अगर मैं लिखूं इसका मास, तो आपको अभी ध्यान होगा हमने 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम का जो कैलकुलेट कर चुके हैं वो क्या था हमारे पास 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। ओके, तो आप यहां लिख सकते हैं दोस्तों इसका मास, यहां से लिखिए 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। आप यहां देख सकते हैं ये क्वांटिटी बिल्कुल सेम है, तो आप इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको जो मिलेगा वो 16 मिल रहा है दोस्तों। यानी आप यहां देखेंगे कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या है, 16, कोई यूनिट नहीं है, यूनिट लेस है। तो इसके बाद हम ऐसी इसी प्रकार से हम सभी एटम्स का, अगर आपको सोडियम का कैलकुलेट करना हो रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, मास ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम करना हो दोस्तों कैलकुलेट, तो आप क्या करेंगे 23 × 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम ऊपर लेंगे एंड आप यहां लिखेंगे 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको जो मिलेगा ओनली 23। तो दोस्तों इस केस में आप यहां देख सकते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास में कोई भी यूनिट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहां से यूनिट हमारी कैंसिल आउट हो चुका है। आइए फॉर ऑक्सीजन एटम, फॉर ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम दोस्तों अगर मैं ऑक्सीजन को एटम लूं तो इसके पास हमारे पास 16 भी आ रहा है, 16 दोस्तों आप यहां देख सकते हैं मैं 16 AMU लिख सकता हूं और मैं इसको 16 RAM लिख सकता हूं। मतलब दोस्तों ये जो 16 है ये रिलेटिव एटॉमिक मास है और यहां जो आपके पास 16 है ये आपके पास एटॉमिक यूनिफाइड
एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में है, मतलब AMU में है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपने देख सकते हैं कि जो मास है, ये मास है क्या, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, वन ऑक्सीजन एटम, वन ऑक्सीजन एटम, और दोस्तों ये जो हमारे पास मास है, ये आपके पास, और दोस्तों ये जो हमारे पास मास है, ये मास कितना है, ये आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मास है दोस्तों, ये 16 रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो अब हम इस बेस पे डिफाइन कर सकते हैं कि एटॉमिक मास एक्चुअली है क्या। तो आइए लिखते हैं टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास से। ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एटॉमिक मास है एक्चुअली वो है क्या, एटॉमिक मास इज द नंबर विच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स एन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन C12 एटम। यानी आप अब यहाँ पे इस रिजल्ट पर पहुँचे हैं कि एटॉमिक मास इज नथिंग बट इट इज़ द ओनली कंपेरेबल क्वांटिटी ऑफ एन एटम विद C12 एटम। तो दोस्तों एटॉमिक मास के बाद हम बात करने वाले हैं मोलिकुलर मास की। तो आइए बात करते हैं मोलिकुलर मास पे। आइए दोस्तों बात करते हैं मोलिकुलर मास की, मोलिकुलर मास। एक्चुअली मोलिकुलर मास है क्या, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो क्या बोलूं, सम ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल। मतलब इसका क्या है दोस्तों कि सपोज दैट एग्जांपल अगर हम ले यहां तो H2O का लेते हैं एग्जांपल। अब आप जानते हैं जो ऑक्सीजन है उसका 16 होता है एटॉमिक मास, अगर हम इसको AMU में लें, एंड क्योंकि एक हाइड्रोजन का वन होता है तो दो हाइड्रोजन है इसमें, तो दो से टू करना पड़ेगा, प्लस लगाना होगा दोस्तों। तो अब जो हमारे पास यहाँ पर निकल करके आएगा वो क्या आएगा, 18 आएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं H2O जो एक मोलिक्यूल है उसका एटॉमिक मास 18 आता है। तो दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पे दो मेथड है इसको यूनिट को डिफाइन करने का, एक तो मैं इसको यूनिट लेस ही छोड़ दूँ और दूसरे मैं इसको 18 AMU लिख दूँ क्योंकि इंडिविजुअल एटम का मास है ये, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास RAM हो जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास, और यहाँ दोस्तों हमारे पास AMU जो कि एक इंडिविजुअल एटम का मास होता है, हमने शुरू में इसको डिफाइन किया था, ठीक है, ये उसी का सम है। तो अब मैं इसको ऐसा ना लिख करके कि भाई कोई बुद्धिजीवी कहते हैं, कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं, कुछ ऐसे बुद्धिजीवी थे उस समय पे जो कह रहे थे कि भाई आप अगर एक इंडिविजुअल एटम का मास लिख रहे हो तो आप AMU यूज करते हो उसका यूनिट, और आप यहाँ पर अगर एक मॉलिक्यूल का मास लिख रहे हो तो आप यहाँ पे MU यहाँ भी यूज़ कर रहे हो। तो भाई उन्होंने सोचा चलो तुम यहाँ पर AMU ना यूज़ करके ओनली U इस्तेमाल कर लो। अब यहाँ पर एक नई यूनिट निकल के आया है U। तो एक्चुअली क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि U और AMU में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों चीज़ एक ही है। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1 U, जिसकी वैल्यू क्या होता है 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, इतनी वैल्यू निकल के इनका आ जाया करता है। तो दोस्तों इसी को एक 18U बोल दिया गया, 18U, तो एक नया यूनिट हमारे पास यहाँ निकल के आ चुका है, ठीक है। तो इसी टाइप से हम और भी सभी जो हमारे पास मोलिक्यूल्स होते हैं उनके मास हम कर सकते हैं कैलकुलेट। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट कि हमें मास कैलकुलेट करना है पोटेशियम क्लोराइड का। तो देखो पोटेशियम का कितना होता है 39। पोटेशियम एक ही है, प्लस क्लोरीन एक Cl का होता है 35.5। आप सो अगर ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा,
39 प्लस 35.5 आपको मिलेगा 67.5, सॉरी 9 5 14 हो जाता है एंड 74 आएगा दोस्तों, 74 आएगा। और आपसे कहा जाए मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 का बताओ, तो दोस्तों यहां हम यू ला करके चलते हैं, वन हाइड्रोजन है इसलिए वन, और एक हाइड्रोजन का मास वन यू होता है, प्लस एक नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन का मास 14U होता है, और यहाँ पर तीन ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16U होता है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1U प्लस 14U प्लस 48U, और जब आप इन्हें सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 63U। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से मैक्सिमम मोलिक्यूल्स का एटोम मोलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके करके देखिए H2SO4 कैलकुलेट मोलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग, क्या दोस्तों H2SO4 HCl sugar C12 H22 और 11 ग्लूकोज C6 H12O6 CH3COOH एसिटिक एसिड मिथेनॉल। दोस्तों आप इन कुछ ये क्वेश्चंस है हमारे पास, आप इनका मोलेक्युलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात होगी हमारी, इसी से आगे एक बात करेंगे और हम आगे मोल कंसेप्ट में आपको अभी बहुत सारी कंसेप्ट हैं जो क्लियर करने वाले हैं। ओके थैंक यू।